हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द वीडियोस एंड वेलकम टू पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस। इन दिस वीडियो वी कवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ प्लस वन अकाउंटेंसी। तो बच्चों, पहले सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट क्यों करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस का देखना चाहते हैं कि उसमें आप लोगों ने क्या क्या कमाया, क्या खोया, क्या लॉस हुआ, कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो एंड प्रोडक्ट होता है। यानी कि जी टू नो द एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये होती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स आप बना चुके हैं उनमें कुछ एक ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट आपने जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते समय छूट गया है या ट्रायल बैलेंस में उनको इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले आप प्रोसेस को देखिए कि जब आप ट्रांजेक्शन्स को स्टार्टिंग में रिकॉर्ड्स करते हैं तो जर्नल में जाती हैं, जब उन ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं दैट गोज़ टू लेजर, एंड थर्ड फॉर चेकिंग द accuracy of all ledgers you make a trial balance. While trial balance is not an account, it is a just statement which show the mathematical accuracy of your all ledgers. और उस trial balance क्योंकि compulsory हो जाता है क्योंकि आपको end product निकालना है और end product आपके दो निकलेंगे, trading and profit and loss account and the balance sheet, और that is possible with the help of trial balance only. अब यहाँ से आपकी financial statement बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, कि आपकी पूरे साल का अकाउंट मेंटेन करके उसमें क्या निकलता है नतीजा, रिजल्ट को, तो ये बनाई जाती हैं। और एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स, व्हेन यू फॉरगेट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में सिर्फ आपकी लगा लीजिए जो ट्रांजेक्शन्स लेजर में पोस्ट की होती हैं वही आती हैं और बाकी नहीं आती। तो कुछ एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं जो कि आपको इसमें करनी होती हैं। तो वो क्या क्या होती हैं वो सिक्वेंस में देखेंगे। तो लेट स्टार्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स। बच्चा, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos clarifications, and if you like the videos please share it with your friends. Now we continue. इसमें जो contents cover करेंगे हम लोग होंगे जो adjustments सिखाएंगे, closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, depreciation, bad debts, provision for bad debts, manager commission, interest on capital and तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊं कि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो माल आपका, यानी माल मैंने गुड्स को, यानी कि आप जिस गुड्स में डीलिंग करते हैं वो अनसोल्ड रह गया है और आपके स्टोर में बंद है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एट द ऑन द 31st March 2000 जब समथिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो इसकी ट्रीटमेंट अगर ये देखिए बच्चे, ये जो एडजस्टमेंट करेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, ट्रायल बैलेंस के बाहर होती हैं, उन्हें एडजस्टमेंट करेंगे। और याद रखना कि हर एक एडजस्टमेंट की दो जगह पर पोस्टिंग होगी, यानी कि दो जगह उनका ट्रीटमेंट होगा। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे देखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं इसको भी सेपरेट कर देती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट लेके चल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, और ट्रेडिंग अकाउंट इज डीलिंग विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड विद रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स सेल। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में, क्योंकि आपका वो अनसोल्ड स्टॉक है, आपकी असेट्स है फाइनल गुड, जैसे कि आप लोग इन्वेंट्री बोल देते हैं या क्लोजिंग स्टॉक को, और स्टॉक भी फाइनल गुड्स का, तो ये आपका असेट्स में आएगा, बैलेंस शीट में असेट्स में, ट्रेडिंग साइड में क्रेडिट में। नेक्स्ट देखिए, अब इसका आपका मैंने और भी क्लियरिटी से इसको दिखाया हुआ है।
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 31 दिसंबर, जैसे ये 2000 डेट है तो यहाँ पर रेड वाली आपको एंट्री दिखाई हुई है कि देर इज़ एन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹15,000। अब क्लोजिंग स्टॉक की भी एक बात और भी याद रखनी है बच्चों आप लोगों ने कि बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कुछ भी दोनों, अगर दोनों गिवन है तो कौन सी वैल्यू आएगी, विच एवर इज़ लेस, यानी कि दोनों के कंपेयर करने पर जो सी वैल्यू कम है वही आपने क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर करनी है। याद रहेगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू कि इफ़ देर इज़ अ बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन आपने जो कम है दोनों को कंपेयर करके उसको कंसिडर करना है। और बैलेंस शीट में देखिए असेट साइड में आ गई 15,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड रिमेन अनपेड। अब क्या होता है बच्चे कि जैसे आपने कोई खर्चा है, अभी आपने देना है, खर्चा क्या क्या हो सकता है, वेजेस भी हो सकते हैं, सैलरीज भी हो सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है, रेंट भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी आपने उसको एट द एंड ऑफ पीरियड आपने पे नहीं किए हैं लेकिन करने हैं, तो जो एक्सपेंसेस आपने पे करने हैं उसी साल के हैं लेकिन पे नहीं किए हैं, दैट कम अंडर द कैटेगरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कंसर्न एक्सपेंसेस में जाके ऐड हो जाएगा। कंसर्न एक्सपेंसेस जैसे मान लो इफ़ देर इज़ एन आउटस्टैंडिंग वेजेस तो ये वेजेस में प्लस हो जाएगा, इफ़ देर इज़ एन आउटस्टैंडिंग रेंट तो रेंट में प्लस हो जाएगा, इफ़ देर इज़ एन आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि आपने 2 महीने की सैलरी नहीं दी है तो आपके 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस हो जाएगी। तो ये ट्रेडिंग में भी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। क्लियर? अब देखिए जैसे वेजेस एड आउटस्टैंडिंग वेजेस टोटल करके 8,000 + 500 और देखिए, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ 500 शो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आपके प्रीपेड। प्रीपेड मींस एडवांस में आपने कोई खर्चा पे दिया, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है मेनली, तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने एडवांस में पेड कर दिया, या आपने 1 महीने की फीस पहले पे कर दी, तो दीज आर एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड मे बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, जिनके बेनिफिट को आप नेक्स्ट ईयर में भी कैरी कर सकते हैं। तो याद रखना प्रीपेड आपकी माइनस होगी, वो भी कंसर्न एक्सपेंसेस से, चाहे तो वो आपकी इंश्योरेंस हो, वेजेस हो, और बैलेंस शीट में क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की हुई है आप उनकी सर्विसेज आगे यूज़ कर सकते हो, दैट कम अंडर द असेट साइड। देखिए बच्चे सैलरीज लेस प्रीपेड सैलरीज, अगर वेजेस होते तो लेस आउट प्रीपेड वेजेस, और ये आएंगे असेट साइड में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्लाइड में असेट्स में प्रीपेड जितने भी प्रीपेड होंगे, तो वी गो टू द नेक्स्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस कि आपकी कुछ ऐसी इनकम जो कुछ एक आइटम्स होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, रेंट, आर अर्नड यानी कि आपने कमा लिए हैं अकाउंटिंग ईयर में लेकिन आपको रिसीव्ड नहीं हुए। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया या आपको आपके किराएदार ने रेंट नहीं दिया, तो वो एक्रूड इनकम हो गई। तो सच इनकम आर नोन एज एक्रूड इनकम, और इस तरह की इनकम को आपने प्लस करना है। ये क्रेडिट साइड में आती है इनकम, याद रखना बच्चे, जो खर्चे होंगे वो डेबिट साइड में और जो इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड में। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग में भी हो सकती है एक्रूड इनकम, वैसे तो मेनली ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। और ये आपकी इनकम है तो ये असेट्स में आएगी। देखिए नेक्स्ट, देखिए कमीशन रिसीव्ड एड एक्रूड कमीशन या इनकम, रेंट रिसीव्ड एक्रूड रेंट, तो यहाँ से ये क्रेडिट साइड में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट में भी आपका असेट साइड में ऐड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ बेटा इफ़ यू लाइक द वीडियोस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपके लिए ये चिंता की बात है। अब जैसे मान लो आपके फ्रेंड ने आपको पहले पैसे एडवांस दे दिए और कहा कि मेरे लिए ये बुक ले आना, तो आपकी जेब में तो हैं पैसे तो आए हैं लेकिन आपके लिए तो जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी मीन्स आपने, आपके लिए नहीं है वो, आगे के लिए हैं। समटाइम अ सर्टेन इनकम इज़ रिसीव्ड बट द होल अमाउंट ऑफ
इट, यानी कि पूरा का पूरा डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर फ्यूचर ईयर। तो जितना पोर्शन आपका करंट ईयर से है उसे तो इनकम मानेंगे, और जो अगले साल से है तो उसे द पोर्शन ऑफ इनकम विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एन अनअर्न्ड इनकम। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपके एडवांस आ गई और क्योंकि ये जिम्मेवारी है तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। देखिए बैलेंस शीट में आ जाएगी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और इसको देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड एज इनकम। क्लियर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जितनी आपने एडवांस इनकम रिसीव करी है माइनस कर देंगे और लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये देखिए बैलेंस शीट। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि आप मशीन यूज़ करते हैं उसको और उसमें फिर उसकी घिसावट हो जाती है पेज होकर। डेप्रिसिएशन बच्चे वियर एंड टीयर क्यों होती है ये, क्योंकि जब आप कोई चीज़ मशीन है, मशीन को बार बार यूज़ करते हैं तो उसके पेज, उसकी जो मशीन्स होती हैं वो घिस जाती हैं आपस में, तो फिर वो कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देती है। और फिर हमें क्या होता है कि अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम करने के लिए और मशीनें चाहिए होती हैं। अब जैसे मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर कुछ समय के बाद वो टूट जाता है, तो जो इस तरह से वियर और टीयर की जो कॉस्ट लगती है उसे हम डेप्रिसिएशन, और इसे बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है और ये डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इट इज़ ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। और जो इसकी कंसर्न असेट्स होती है, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में, मशीन है तो मशीन में से, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस तो होती नहीं उसे लॉस बोलेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी के बाद बिल्डिंग हो गई, तो इस तरह से जो भी असेट्स होंगे वो आपके उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500 यहाँ पे आई हुई है, डायरेक्टली प्लस हो जाती है। और देखिए फर्नीचर की वैल्यू थी 15000, 10% डेप्रिसिएशन 1500, तो नेट अमाउंट आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में आया 13500। आ गया बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती हैं बेटे, जब आपके कस्टमर हैं वो पैसा मार देते हैं, आपको पैसा नहीं देते। तो बैड डेट्स रेफर टू द अमाउंट दैट द फर्म हैज़ नॉट बीन एबल टू रियलाइज फ्रॉम इट्स डेटर, यानी कि जब वो अपने डेटर से पैसा लेने में नाकाम रहती है या उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ लॉस एंड इज टर्म्ड एज बैड डेट्स। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में इसको डेटर में से माइनस कर देंगे। तो इसकी और भी एडजस्टमेंट है, पहले एक बार एडजस्टमेंट कर लीजिए फिर इसका डिटेल में प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब है अमाउंट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। कई बार क्या होता है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद आपको नई चीज़ आती है, तो उसको बैड डेट्स जो डेबिट साइड में आपने अभी बैड डेट्स लिखे थे उसमें अगेन फर्दर बैड डेट्स को प्लस कर देंगे, तो और इसको डेटर में से माइनस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैड डेट्स 4500, यानी कि बैड डेट प्रोविज़न, फिर ऐड फर्दर बैड डेट्स 7000, और अब इसमें अगर प्रोविज़न आ जाती है फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, डेटर में से आपने ये 2500 माइनस कर दिए। नाउ what do you mean by provision for bad debt? Provision for bad and doubtful debt is the essential loss, estimated loss provided upon the debtors for the future. Now, provision for bad and doubtful debt is estimated, यानी कि आपको debtors पर future loss कितना हो सकता है, क्योंकि एक बार आप लोगों ने bad debts बना दी, फिर further bad debts, अब provision, तो provision कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ट्रीटमेंट होगा और बैलेंस शीट में इसको माइनस करेंगे। तो देखिए प्रैक्टिकली कैसे करना है बच्चों, इसमें डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस डिडक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेबिटर आफ्टर फर्दर बैड डेट्स, यानी कि पहले आपने फर्दर बैड डेट्स को माइनस किया क्योंकि बैड डेट्स तो ट्रायल बैलेंस में थे और वो आपके ऑलरेडी डिडक्टेड थे, तो यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स के बाद आपने नहीं करना है। देखिए
सबसे पहले बैडेट्स गिवन थे, फिर उसमें फर्दर बैडेट्स गिवन किए, ऐड किए, नाउ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको ऐड कर दिया। और बैलेंस शीट में देखिए, डेटर्स लेस फर्दर बैडेट्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको मैं अभी प्रैक्टिकल भी समझाऊंगी एक तरह से। इफ़ यू वांट टू सी द प्रैक्टिकल प्लीज़ वेट आफ्टर टू और थ्री एडजस्टमेंट। दिस इज नाउ वी कम टू द मैनेजर कमीशन। दिस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन अलाउड टू द मैनेजर ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो मैनेजर कमीशन, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी बेटे, कि वो कमीशन बिफोर कमीशन देनी है या आफ्टर कमीशन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैनेजर कमीशन को बिफोर और आफ्टरवर्ड से। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखिए, सपोज द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 110, बिफोर चार्जिंग कमीशन इफ द मैनेजर इज एंटाइटल टू गेट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन द कमीशन विल बी कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट होगी देखिए, 10 × 10/100 तो 11 rupees। अगर आपका आफ्टर चार्जिंग है सेम क्वेश्चन में, तो आप ये देखिए, फिर आपने प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन प्लस डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। देखिए 110 × 10/100 rupees। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन में सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा। आपने क्या ध्यान रखना है, बिफोर कमीशन है तो नीचे सिंपल रेट लगाना है, यानी कि रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। अगर आफ्टरवर्ड है तो आपने 100 में रेट ऑफ कमीशन को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ से माइनस होगी, तो यहाँ पे मैनेजर कमीशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट में मैनेजर कमीशन लायबिलिटी साइड में आएगी। आगे है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपने कितने कैपिटल में ब्याज लगाया, क्योंकि बिजनेस के लिए तो आपकी लायबिलिटी है ना कैपिटल। तो समटाइम द प्रोपराइटर मे लाइक टू नो द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन सच अ सिचुएशन इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ बिगनिंग, यानी कि आपका स्टार्टिंग में कितनी पूंजी थी, लास्ट में तो प्रॉफिट ऐड हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल में कैपिटल 12,000 ऐड प्रॉफिट, फिर ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि आपका ये नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, और कैपिटल में लाइबिलिटी साइड में प्लस हो जाएगा। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स एंड रिमेनिंग ट्रांजेक्शन आई विल, जो आपके रह गए हैं वो मैं आपको भी पेपर पे कराऊंगी, तो या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।